कोलकाता रेप मर्डर मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई टली। आज सुनवाई के लिए सीजेआई की बेंच नहीं बैठेगी, ये बड़ी जानकारी है। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट के डिप्टी रजिस्ट्रार ने ये जानकारी दी है। तो ये पूरा मामला गरमाया हुआ है, लगातार प्रदर्शन का दौर चल रहा है और ऐसे में भी ये जानकारी मिली है। कोलकाता रेप मर्डर मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई फिलहाल टल गई है। आज सुनवाई के लिए सीजेआई की बेंच नहीं बैठेगी, फिर कभी इसमें सुनवाई होगी, ये जानकारी सुप्रीम कोर्ट के डेप्टी रजिस्ट्रार की तरफ से दी गई है। क्योंकि इस मामले में लगातार इसके पहले भी सुप्रीम कोर्ट में कई सुनवाई हो चुकी हैं, कोलकाता हाई कोर्ट में कई सारी अब तक सुनवाई इसमें हो चुकी हैं, लेकिन ये पूरा जो मामला है फिलहाल सीबीआई के हाथों में है। सीबीआई इस पूरे मामले में जांच कर रही है, इसके बाद कई सारे खुलासे इसमें हो रहे हैं। लेकिन अब आज जानकारी आई है सामने कि सीजेआई की बेंच इसमें आज नहीं बैठेगी। सुप्रीम कोर्ट की डिप्टी रजिस्ट्रार ने ये जानकारी दी है कि आज के लिए फिलहाल सुप्रीम कोर्ट में कोलकाता रेप मर्डर मामले में सुनवाई टाल दी गई है। तो जिस तरीके से बर्बरता की गई थी, महिला डॉक्टर के साथ दरिंदगी की गई थी और उसके बाद से जो मुख्य आरोपी है वो गिरफ्त में है, पॉलीग्राफी टेस्ट उसका हुआ, वो सहित 6 से 8 लोगों का अब तक पॉलीग्राफी टेस्ट हो चुका है। पॉलीग्राफी टेस्ट में भी कई अलग अलग तरीके के तथ्य सामने आ रहे हैं। एक तरफ जहां नोटिस भी दिया गया आर्जिकल मेडिकल अस्पताल को, जिस तरीके से रेनोवेशन वहां पर सेमिनार हॉल का तत्काल कराया जाने लगा था, वो लेकर भी कई सारे सवाल लगातार खड़े हो रहे हैं। जो पूर्व प्रिंसिपल था संदीप घोष, उसको लेकर भी कई सारे सवाल खड़े हुए, क्योंकि संदीप घोष ने इस्तीफा दिया, इस्तीफे के बाद तत्काल उसकी नियुक्ति भी हो गई और यही वजह थी कि जो पॉलीग्राफी टेस्ट में सबसे पहले पूर्व प्रिंसिपल को भी शामिल किया गया, उससे भी पॉलीग्राफी टेस्ट किया गया। कई सारे सवालों का सामना संदीप घोष को करना पड़ा, लेकिन अभी भी कई सारे राज खुलने बाकी हैं।